रात के 10 बज चुके हैं और इस वक्त मैं घर से 5 किलोमीटर दूरी पर शहर की ओर वड़गांव में हूँ। क्या नाम है इस डॉगी का? लकी। लकी लकी है क्योंकि सांप आया है। तो सर आपका नाम? ऋषिकेश पाटिल। ऋषिकेश पाटिल, आपने सांप देखा? हाँ सर। कहाँ पर था पहले? इधर था। मैं उसको घुमाने के लिए लेके जा रहा था, इधर ही था सर। अच्छा अच्छा, फिर वहां से वो वहां गया है। तो ऋषिकेश जी कह रहे कि अक्सर हमारे वो वीडियो देखते हैं, उसके लिए शुक्रिया। उन्होंने पहचानने की कोशिश की और उन्होंने मुझे पूरा काला बताया था। एक काला नहीं है, ब्राउन है, और वही हम बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं। दर्शक भी उनमें से एक है जो ये सांप पहचानने में धोखा खा सकते हैं। और हम ऐसा नहीं कहते कि सांप में इतनी समानता होती है, पता नहीं होता। तो मैं वही उनको पूछ रहा था और आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कि कलर अगर उसका पूरा काला है क्या। और उन्होंने जब बताया कि पूरा काला है सर तक वगैरह, लेकिन आप देख सकते हैं कैमरे में थोड़ा सा फर्क, अभी भी फोटो में भी पहचान में नहीं आता, लेकिन ये ब्राउन कलर का है। सही है ना? यस सर, ब्राउन कलर का है। और आप जैसे बताते हैं उस बात पर हम विश्वास रख के अंदाज बताते हैं, तो मुझे थोड़ा सा ताज्जुब हुआ क्योंकि खेती से सटक कर ये सांप रहता है और यहाँ पर नहीं रहने जैसा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कॉमन स्नेक जो है शहर में ज़्यादा पाया जाता है। और कवरियाला और करेत में एक फर्क है कि वो ज़्यादा बहुत लंबा रहता है, लेकिन आप कभी नज़दीक से देख रहे हैं तो उसके कलर से आप उसको अनुमान लगा सकते हैं। एक बात है जो बहुत ही कम मिलता है और मैंने एक ही पकड़ा है खुद के घर में, काला कवरियाला जो रहता है, जो पीली लाइनिंग उसमें रहते हैं, वो बहुत मैच करता है। तो इतना नहीं है, आपको लगभग अनुमान लगाना है, लेकिन ब्राउन कलर का वगैरह है तो आप 99% वो अगर है तो कवरियाला है, ऐसा आप अनुमान लगा सकते हैं। और खासकर दीवार पर वगैरह चढ़ने की कोशिश कर रहा है तो वो कवरियाला ही है। तो इस तरह से इसमें ये फ़र्क रहता है। और जब आप देखेंगे पहचानेंगे तभी ये पता चलता है। आप भी हमारे वीडियो देखते वगैरह हैं, लेकिन एक लगभग आप दो नाम ले लेते हैं, कवरियाला है या करेत है, तो इतना तो कर पाते हैं, ये शुरुआत है। तो आप जाके पूरा सांप ही पहचानेंगे एक ही दिन में, चार दिन में, या आप वीडियो देखेंगे दो महीने में, तो ये होता नहीं है। तो ये बात भी जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। कवरियाला की और एक खासियत है कि इस रंग का सांप है और ऐसे ही रहता है हम बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें अलग अलग 9 प्रकार की उसकी डिज़ाइन मेरे उसके शरीर पर दिखाई देती है, जो अक्सर हम दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ब्राउन कलर या काला कलर, उसमें अगर आपको पता भी नहीं चल रहा है तो दोनों में से एक हो, ये तो भी ये हम अनुमान आप आमतौर पर लगा सकते हैं, आम इंसान भी उसको पहचानने की कोशिश कर सकते हैं। फिलहाल एक कवरियाला है, लगभग 4-5 साल की उम्र का, लेकिन ये दिखने में छोटा लगता है, इसलिए कभी काफ़ी लोग इसको किसी बड़े सांप का बच्चा वगैरह ऐसा समझ लेते हैं। खासकर शहर में ये मिलता है, 95% मैंने बेलगाम शहर में पकड़ा है। तो ये भी प्रॉब्लम आ जाता है कि ये छोटा सांप मतलब बड़ा सांप कहीं हो सकता है और ये डर निर्माण होता है। लेकिन आमतौर पर घर, किचन या बाथरूम की जगह पर चिपकली इसका पसंदा खाना होने के कारण ये अक्सर दिखाई देता है। ये काटता है, ये सच्चाई है, लेकिन ये जहरीला विषैला नहीं है, इससे कोई खतरा नहीं है। ये कभी कभी काटता है इसलिए, बिना काटे इसलिए, और इसके स्वभाव पर भी काफ़ी डिपेंड रहता है। ये तो थोड़ा सा ये है, लेकिन सबसे ज़्यादा ग्रिप पकड़ने वाला सांप होता है और ये पूरा ऊपर तक भाग भी सकता है। और कितना गुस्सैला रहता दिखे, अभी तो आराम से बैठा हुआ था। और हरकतें इसकी भी मतलब ये दिखने के साथ इसकी हरकतें भी बिल्कुल इसमें मैच करती है करेत से, और इसलिए भी हम काफ़ी बार धोखा खा लेते हैं। और करेत भी अचानक ऐसा घूमने लगता है और काटने लगता है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही आक्रामक होता है, उतना करेत आक्रामक नहीं होता है। लेकिन फ़र्क ऐसा है, आपको सुन के आप हैरान हो जाएंगे, वो पूरी तरह विषैला है, सबसे विषैला है। और ये सबसे मतलब ये सबसे गुस्से वाला होने के बावजूद भी, मतलब इसके साथ और एक है सांप जो गुस्सेला है, ढूरिया, लेकिन ये इसका दूसरा नंबर रहता है। सब देखिए थैली को किस तरह से काटने को जा रहा है, लेकिन इससे कोई खतरा नहीं है। करेत तो बहुत विषैला होता है, ये बिल्कुल विषैला नहीं होता है। आपके घर में और आ सकते हैं और इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। और काटने की संभावना होती है, खास तौर पर इस बात पर अब मैं जोर दूंगा कि ये सांप काटता है मतलब गुस्सेला होने के कारण, लेकिन आप अगर इसको पहचान लेते हैं इसको अच्छी तरह से, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं होती है।
सिलसिला सांपों को बचाने का डर दूर करने का जारी है। फिलहाल रुकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बटन भी दबाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी पहुँचने के लिए शेयर कीजिए। धन्यवाद।